हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम जानेंगे एशियल यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में। एशियल क्या होता है, किस तरह से नेटवर्क में वर्क करता है, किस तरह से हम एशियल को नेटवर्क में इंप्लीमेंट करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, इसके टाइप्स के बारे में बेसिकली आज चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड एशियल एंड एक्सटेंडेड एशियल क्या होता है, इन दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस है एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होता है, यानी कि स्टैंडर्ड एशियल क्या वर्क करता है और एक्सटेंडेड एशियल जो है क्या वर्क करता है। इससे पहले मैंने एशियल के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी लास्ट वीडियो में, एशियल क्या होता है, एशियल के टाइप्स और इसके लेवल्स के बारे में मैंने चर्चा की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एशियल के जो वर्किंग प्रोसेस है, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होता है इनका वर्किंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। एशियल यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, पहले इसके प्रोसेस को समझते हैं। इट इज सेट ऑफ रूल्स विच अलाउ और डिनाई टू द स्पेसिफिक ट्रैफिक मूविंग थ्रू द राउटर। यानी कि एशियल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, किसी भी राउटर पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका वर्क होता है जिस भी ट्रैफिक को हम अपने नेटवर्क में बुलाना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं, वो ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के अंदर आएगा और जिसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं उसको हम राउटर पर ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई भी नेटवर्क है, यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है, इस पे अगर हम चाहते हैं कि कोई अनवांटेड डेटा यहाँ पे हमारे नेटवर्क में ना आए, तो हम यहाँ पे इस राउटर पे एशियल इम्प्लीमेंट कर लेंगे और ये वहां पर उस डेटा को ब्लॉक कर देगा। जो भी हमारा अनवांटेड डेटा है, अनऑथराइज डेटा है, उसको वहां पे ब्लॉक कर देगा और जिस डेटा को हम चाहते हैं हमारे नेटवर्क में वो एंट्री करे, वही डेटा हमारे नेटवर्क में एंट्री करेगा। यानी कि राउटर के थ्रू हम किसी भी अनवांटेड डेटा को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। इट इज लेयर 3 सिक्योरिटी विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। ये लेयर 3 सिक्योरिटी है एंड इसका वर्क होता है, मान लो कोई दूसरा भी राउटर है यहाँ पे, तो इसका क्या है, एक राउटर से दूसरे राउटर पर जो भी डेटा का जो फ्लो है उसको ये कंट्रोल करने का वर्क करता है। कंट्रोलिंग वही है अलाउ और डिनाई करना, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, इससे कंट्रोल में होता है। कॉल्ड पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, और इसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी कहा जाता है। यानी कि एशियल को आप पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी कहते हैं। एशियल का यही वर्क है, जहां पे हम जिस भी राउटर पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये वहां पे किसी भी ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करने का वर्क करता है। जिसको हम अलाउ करना चाहेंगे उसको अलाउ कर सकते हैं और जिस ट्रैफिक को हम डिनाई कर सकते हैं, डिनाई करना चाहेंगे उसको हम डिनाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एशियल के वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं कि एक्सटेंडेड एशियल किस तरह से वर्क करता है और एक्सटेंडेड एशियल का वर्क किस तरह से होता है। स्टैंडर्ड एशियल लिस्ट एंड एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। द एक्सेस लिस्ट नंबर रेंज इज 1 to 99। यानी कि स्टैंडर्ड एशियल की जो एक्सेस लिस्ट रेंज होती है ये 1 से 99 तक होती है, जबकि एक्सटेंडेड की रेंज होती है 100 to 199। इसकी रेंज 100 से 199 तक होती है। यानी कि किसी भी राउटर पर अगर 1 to 99 नंबर वहां पे शो हो रहा है तो इसका मतलब राउटर समझ जाएगा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड एशियल इंप्लीमेंट है। अगर उसकी रेंज 100 to 199 है तो समझेगा कि यहाँ पर एक्सटेंडेड एशियल जो है इंप्लीमेंट है। बाय दिस कैन ब्लॉक ए नेटवर्क होस्ट एंड सबनेट। और स्टैंडर्ड एशियल को यूज करके किसी भी सबनेट को, होस्ट को और नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, जबकि कैन ब्लॉक ए नेटवर्क होस्ट सबनेट एंड सर्विस। और इसके द्वारा हम एक्सटेंडेड एशियल के द्वारा हम किसी भी नेटवर्क को होस्ट कर सकते हैं, किसी भी होस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं और किसी भी सबनेट के साथ साथ किसी भी सर्विस को भी हम इसमें ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे HTTP है, इसको भी हम इस तरह की सर्विसेज को हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। ऑल सर्विस आर ब्लॉक, इसके द्वारा सारी सर्विस जो होती है वो ब्लॉक की जा सकती है, लेकिन जहां पर स्टैंडर्ड एशियल लगा होगा वहां पे क्या होगा, वो सारी सर्विस को ब्लॉक कर देगा। लेकिन यहां पर क्या है, सिलेक्टेड सर्विस कैन बी ब्लॉक्ड, सिलेक्टेड सर्विस को ये ब्लॉक करेगा। इम्प्लीमेंट क्लोज टू द डेस्टिनेशन राउटर, और का इसका स्टैंडर्ड एशियल का जो इम्प्लीमेंट है इसको क्या पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लोज टू द डेस्टिनेशन राउटर। यानी कि हमारा कोई भी यहाँ पर कोई सोर्स है और इससे हमें डेटा यहाँ पर डेस्टिनेशन के पास, हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एशियल जो होगा वो डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन यहाँ है तो इस वाले राउटर पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा एशियल, स्टैंडर्ड एशियल। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज क्लोजेस्ट सोर्स राउटर। इसमें क्या है, एक्सटेंडेड एशियल जो है ये सोर्स राउटर के पास इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि ये हमारा सोर्स राउटर है, ये डेस्टिनेशन है, तो स्टैंडर्ड एशियल तो डेस्टिनेशन के पास इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन एक्सटेंडेड एशियल जो क्या है सोर्स के पास, यानी सोर्स वाला जो राउटर है ये, इसके पास एक्सटेंडेड एशियल इंप्लीमेंट होगा। एक्सटेंडेड एशियल सोर्स राउटर के पास और स्टैंडर्ड एशियल डेस्टिनेशन राउटर के पास इंप्लीमेंट होता है।
डाटा फिल्टरिंग बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, और स्टैंडर्ड एशियल में डेटा की जो फिल्टरिंग होती है वो सोर्स आईपी के बेस पे होती है, जबकि स्टैंडर्ड एशियल में क्या होता है, फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। और इसमें स्टैंडर्ड एशियल में क्या होता है, डेटा की जो फिल्टरिंग होती है, डेटा को जो फिल्टर किया जाता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर के बेस पे इसमें डेटा को फिल्टर किया जाता है। यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एशियल की तुलना में एक्सटेंडेड एशियल जो होता है ज्यादा, इसके एडवांटेज ज्यादा होते हैं, ये काफी अच्छा वर्क करता है, स्टैंडर्ड की तुलना में एक्सटेंडेड एशियल काफी अच्छा होता है। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे जाना एशियल के बारे में, एशियल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, और स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एशियल के बारे में जाना कि स्टैंडर्ड एशियल क्या वर्क करता है और एक्सटेंडेड एशियल क्या वर्क करता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।